नमस्कार दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए, लेकिन इसके पीछे रहस्य क्या है? ऐसा क्यों करना चाहिए और इसके पीछे कौन सी पौराणिक कथा है, उसी को मैं आपको आज सुनाऊंगी। घर की सुख समृद्धि के लिए एकादशी के दिन हम भगवान विष्णु का पूजन और व्रत करते हैं। एकादशी के व्रत के दिन चावल नहीं खाया जाता। ऐसा माना जाता है कि चावल खाना व्रत करने वाले के लिए नुकसानदायक हो सकता है और वह अपयश का भागी हो सकता है। इसके साथ ही एकादशी के दिन हमें लहसुन और प्याज का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इन सभी की गंध से भी मन में अशुद्धता आती है। मांस, मछली, अंडा भी नहीं खाना चाहिए और मदिरा सेवन भी नहीं करना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार एकादशी के दिन चावल खाने से प्राणी रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म पाता है, किंतु द्वादशी को चावल खाने से उस योनि से मुक्ति भी मिल जाती है। एकादशी का व्रत करने के बाद अगले दिन द्वादशी के दिन हम पंडित को एक सीधा देते हैं, जिसमें दाल, चावल, आटा, ये सब सूखी खाद्य सामग्री दी जाती है, लेकिन उसमें कभी भी सब्जी नहीं दी जाती। इसके पीछे यही मान्यता होती है कि जो पंडित अपने घर जाकर द्वादशी के दिन दाल चावल बनाए और अपने परिवार को भी खिलाए, जिससे व्रती जिसने वह दान दिया है उसके परिवार में यदि किसी ने एकादशी के दिन चावल खा भी लिए हैं तो उस पाप से उन्हें मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए प्राय घरों में द्वादशी के दिन चावल और दाल बनाए जाते हैं। एकादशी के दिन चावल नहीं खाने को लेकर हमारे धार्मिक ग्रंथों में एक सच्ची कहानी प्रचलित है। इसमें कहा गया है कि एक बार माता शक्ति महर्षि मेधा पर अति क्रोधित हो गई। महर्षि मेधा उनके क्रोध की अग्नि से बचने के लिए इधर उधर भागने लगे और उनसे बचने के लिए सबको पुकारने लगे, परंतु कोई उनको बचाने के लिए आगे नहीं आया। वे धरती, आकाश, पाताल कहीं भी नहीं छुप पाए और अंततः माता शक्ति के क्रोध से रक्षा के लिए महर्षि मेधा ने देह छोड़ दी। उनके शरीर के भाग धरती के अंदर समा गए और कालांतर में वही भाग जौ और चावल के रूप में जमीन से पैदा हुए। कहा गया है कि जब महर्षि की देह भूमि में समाई उस दिन एकादशी थी। इसी वजह से प्राचीन काल से ही यह परंपरा शुरू हो गई कि एकादशी के दिन चावल और जौ से बने भोज्य पदार्थ नहीं खाने चाहिए। एकादशी के दिन चावल का सेवन महर्षि की देह के सेवन के बराबर माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन चावल खाना महर्षि मेधा के मांस व रक्त का सेवन करने के समान है। एकादशी के दिन शरीर में पानी की मात्रा जितनी कम रहती है, व्रत पूरा करने में उतनी ही ज्यादा सात्विकता रहती है। आदि काल में देवऋषि नारद ने 1000 साल तक एकादशी का निर्जल व्रत करके भगवान विष्णु की भक्ति प्राप्त की थी। वैष्णव के लिए यह सर्वोत्तम व्रत है। चंद्रमा मन को अधिक चलायमान न कर पाए, उसी वजह से व्रती इस दिन चावल खाने से परहेज करते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक तथ्य के अनुसार भी चावल में जल तत्व की मात्रा अधिक होती है। जल पर चंद्रमा ग्रह का प्रभाव अधिक पड़ता है। चावल खाने से शरीर में जल की मात्रा बढ़ जाती है। इससे व्यक्ति का मन विचलित और अधिक चलायमान और चंचल हो जाता है। मन के चंचल होने से व्रत के नियमों के पालन में बाधा आती है, इसलिए भी एकादशी के व्रत में चावल खाना मना किया गया है। एकादशी के विषय में शास्त्रों में कहा गया है, न विवेक समो बंधुर्न एकादश्या परम व्रतम, यानी विवेक के समान कोई बंधु नहीं है और एकादशी से बढ़कर कोई व्रत नहीं है। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 1 मन, इन 11 को जो साध ले वह प्राणी एकादशी के समान पवित्र और दिव्य हो जाता है। एकादशी जगत गुरु विष्णु स्वरूप है, इसलिए इस व्रत व दिन को चावल खाकर बर्बाद नहीं करना चाहिए।
एकादशी के दिन शरीर में जल की मात्रा जितनी कम रहेगी, व्रत पूर्ण करने में उतनी ही अधिक सात्विकता रहेगी। महाभारत काल में वेदों की रचना करने वाले भगवान व्यास ने पांडव पुत्र भीम को इसलिए निर्जला एकादशी करने का सुझाव दिया था। आज भी जौ और चावल को उत्पन्न होने के लिए मिट्टी की भी जरूरत नहीं पड़ती, केवल जल का छींटा मारने से ही ये अंकुरित हो जाते हैं। इनको जीव रूप मानते हुए एकादशी को भोजन के रूप में ग्रहण करने से परहेज किया गया है, ताकि श्री हरि विष्णु स्वरूप एकादशी का व्रत संपन्न हो सके। एकादशी के दिन हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। व्रती को स्नान करने के बाद भगवान विष्णु के सामने व्रत करने का संकल्प लेकर पूजन शुरू करना चाहिए। व्रती अगर पूरे दिन निराहार न रह पाए तो वे फलाहार कर सकते हैं। इस तिथि पर भगवान कृष्ण की भी विशेष पूजा की जाती है। भगवान विष्णु की पूजन विधि विधान से करनी चाहिए। इसके साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का जाप भी अति उत्तम रहता है। पूजन के बाद व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। व्रत के अगले दिन यानी द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। इसके बाद व्रती भोजन करते हैं। एकादशी के व्रत के अगले दिन अर्थात द्वादशी को हमें एक ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। अगर हम ब्राह्मण को भोजन ना भी करा पाए तो उसे सीधे के रूप में सूखी सामग्री देकर भी हम ब्राह्मण भोजन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। विष्णु भगवान की जय।